क्या लगता है बंदा क्या सोच रहा होगा? मतलब फुट स्टेप तो आ ही नहीं रहा है बंदे को, क्या ही नशे कर रहा है बंदा? बताइए क्या होगा आगे, क्या इसका बंदा आके बजा जाएगा मुझे? कमेंट में लिखे जाके पहले, सबसे पहले तो कमेंट लिखे जाके, सबसे पहले जल्दी जल्दी से जाके। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक सारे के सारे अच्छे होंगे। और आज जो गेम प्ले है उसमें तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा, देखिएगा क्या ही होता है एकदम सीन सब। तो आज उधर रहे होते हैं हम लोग पहले स्टेडियम, और स्टेडियम में बंदे आते नहीं हैं शायद, बोट आते हैं कुछ। तो चलिए देखते हैं पहले बोट को, उसके बाद आगे देखा जाएगा। यहाँ पे तीन चार बोट्स मिलते हैं, सबको बजाता हूँ और देखिएगा मेरे साथ क्या ही सीन होगा अभी, और बच पाऊँगा मैं या नहीं पाऊँगा वो भी देख लीजिएगा। अब भाई बताओ कहाँ पे, यहाँ पे कोई बम गिरा था क्या? मतलब कोई रेड जोन गिरा था और बस नॉक हो गया कुछ भी? मतलब ये मेरा तो है कि रेड जोन में भाई अगर मैं लेट गया तो भाई काम मेरा हो गया। तो फटाक से रिवाइव लेते हैं, हीलिंग करते हैं और निकलते हैं फिर बंदे को बजाने के लिए। फिलहाल तो कितने ही बोट नॉक किए थे, और भी बोट एक दो होंगे तो उनको भी नॉक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से बंदे को बजाने के लिए। तो चलिए निकलते हैं। यहाँ से निकलते हैं हम लोग सरकारी ड्रॉप की तरफ, क्योंकि और वैसे भी ऑलरेडी मेरा बंदा वहाँ से लूट लेता है AWM और बोलता है सामने बंदा है, तो गाड़ी लगाते हैं और मारते हैं बंदे को पहले। पहले तो बोलता है बंदा है, लेकिन देखिएगा क्या ही निकलेगा वो। मतलब दो तीन जो सज्जन पुरुष थे वो लड़ रहे थे, और लगा मुझे बंदा है, मुझे भी लगा क्योंकि कुछ अच्छा खासा लड़ रहे थे। तो सकता बंदा भी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, बट नाम से तो बंदा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। देखिएगा अभी कैसे निकलेगा और झगड़ा। और देखिए मैंने दोनों को नॉक किया, और फिर से उसके बाद पूरा फिनिश किया, एक को फिनिश किया और दूसरे को भी फिनिश करेंगे और निकलेंगे वहाँ से, क्योंकि फिर यहाँ तो बंदा है नहीं, तो फिर कहीं और जाके फिर बंदा मारना है। बंदे को बजाते हैं और निकलते हैं यहाँ से भी, और यहाँ से निकलने के बाद और भी बोट्स मिलते हैं तो उन्हें भी बजाया जाता है। और बोट्स को पूरा खाते हैं, उसके बाद फिर एक और बोट्स मिलते हैं, और देखिएगा इसके बाद हमारे हैवी ड्राइवर के नशे कि क्या ही नशे हैं बंदे के। देखिएगा क्या ही गाड़ी चढ़ाएगा और क्या ही गाड़ी, देखिएगा क्या ही होगा गाड़ी के साथ। तो देखिए गेहूं का टोड़ी लाती है, कम नहीं था गेहूं का टोड़ी लाती। आगे तो कुछ बोलना ही नहीं है, ब्लास्ट गाड़ी एक इंच बढ़ने चाहिए इससे। तो चलते हैं दूसरे गेम प्ले वीडियो में, और इसमें आएगा चलते हैं दूसरे गेम प्ले वीडियो में, और इस बार कर रहे होते हैं इस डिस्ट्रिक्ट, और इस डिस्ट्रिक्ट में बंदे आते हैं, तो देखिए कैसे बजाते हैं बंदे को मिनी से। तो लेट स्टार्ट द बंदा वन से, मतलब देखिए मिनी मिला और बजाएंगे, देखिए कैसे बंदे को। मिनी के बाद क्रॉसबो का क्या ही शॉट लगा है, मतलब इतना दूर कितना अच्छा शॉट लगा क्रॉसबो से। तो पहले नॉक बंदे को बजाया, और दूसरा अब एक और बंदा है उसे भी बजाएंगे, क्योंकि वही सारा को नॉक किया था सबको। तो बजाते हैं, तो दो तीन गोली में ही ख़त्म बंदा, और कोई नहीं घुसते हैं अब, क्योंकि लूटपाट भी तो ज़रूरी है थोड़ा सा। तो घुसते ही एक और बोट सज्जन पुरुष में जाते हैं, और सज्जन पुरुष घर के अंदर घुस जाते हैं, तो हम भी घुसते हैं चलिए और बजाते हैं इसको भी।
सीधा क्रॉसबो से फिनिश। और नाम क्या है पढ़ ही लीजिएगा, किस ज़्यादा खतरनाक नाम लगा मुझे। और पता नहीं इसके बाद एक कोर्ट को मैंने मारा, क्रॉसबो लगाया लेकिन क्रॉसबो हेड पे भी लगा और पता नहीं वो बंदा नॉक भी नहीं हुआ, तो ये कुछ ज़्यादा अजीब हुआ। और उसके बाद गाड़ी निकलते हैं हम लोग लेके और पहुँचते हैं सरकारी ड्रॉप पे, क्योंकि थर्ड हिल के पास सरकारी ड्रॉप हो रहा था, तो वहीं चलते हैं। और देखिएगा वहाँ पे क्या ही फाइट होगा एक बंदे के साथ, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ज़्यादा ही वो करने लगता है बंदा, तो कहता हूँ छोड़ो इसे और आगे बंदे को मारते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो निकल जाते हैं यहाँ से और देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे गाड़ी से दो बंदे होते हैं तो दोनों को डैमेज तो अच्छा खासा देता हूँ, लेकिन रश नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास बुलेट्स बहुत कम बचे थे। और रिलोड में भी नहीं जाती तो शायद फिनिश कर देता। तो एक और बोट चाचा मिल जाते हैं तो केडी मेंटेन करते हैं और निकलते हैं वहाँ से, फ्लैंग मार के थोड़ा सा घूम के जाते हैं क्योंकि बंदे हो सकते हैं वहाँ से, तो वो शायद फिनिश कर दे हम लोग को। तो थोड़ा सा फिर घूमने के चक्कर में गाड़ी का सारा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो फिर पैदल निकलते हैं, इसकी उठाते हैं और निकलते हैं फिर वहाँ से भी। और वहाँ से निकलने के बाद देखिएगा क्या ही उठाऊंगा मैं, जो कि है S12 के। आगे जाके देखिएगा कैसे S12 के उठाऊंगा, क्योंकि अब जो बंदे हैं सबके पास S12 के होगा ही। मुझे वेयर हाउस में भी एक बंदा दिखता और मुझे लगता है कि उसके पास भी S12 के, और शायद होता भी है उसके पास, तो इसलिए उठाता हूँ मैं S12 के। और इतने में मेरा बंदा उससे भिड़ता है और नॉक हो जाता है, तो मैं उसे भी बजाता हूँ S12 के से और उसके बाद बंदे को रिवाइव करूँगा। लेकिन आगे मुझे कुछ गन साउंड्स आते हैं और ड्रॉप के पास, तो चलिए उसको पहले मारते हैं कुछ गोलियाँ अगर नॉक हो जाए तो। पर फालतू की ही गोली चलाता हूँ क्योंकि नॉक तो होता नहीं है बंदा एक भी, तो पहले रिवाइव ही कर लेते हैं बंदे को, उसके बाद निकलेंगे जोन में। रिवाइव करने के बाद जोन की तरफ निकलते हैं और थोड़ा सा हील वील करते हुए निकलते हैं। इसके बीच में भी कुछ बंदे को डैमेज देता हूँ, अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, जबकि जोन से बाहर से आ रहे थे तो पता नहीं नॉक क्यों नहीं होते वो लोग। नॉक नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी घुसते हैं घर में, क्योंकि थोड़ा सा घर में घुस के हील करेंगे। और देखिएगा एक बंदा क्या ही मतलब क्या ही TPP लेके बंदे को मार रहा है, मतलब उसको पता भी नहीं चलता है कि हम उसके घर में घुस चुके हैं और बंदा फिर भी कहीं और लगा पड़ा है। देखिएगा क्या ही होगा सी, दिखा ना बंदा कहाँ मतलब कहाँ ले रहा है। तो चलिए उसको भी बजाते हैं, पहले तो S12 को S12 की 6-6 गोली मारता हूँ तो कुछ भी नहीं होता है, और 7वीं गोली 8वीं गोली नॉक होता है, फिर उसका उसका बंदा तो उसका बंदा आता है और बजाना स्टार्ट कर देता है M4 से। उसके पास भी शायद था गन, शॉर्ट गन पता नहीं, तो कोई नहीं। फिर उसके बाद हील मारते हैं और लास्ट का आखिरी बंदा बचा है तो कोई नहीं, आने दो बंदे को ही अंदर आने, क्योंकि हम जोन में ही हैं। तो आएगा बंदा और एक दो S12K की गोली और फिनिश। तो मिल गया है चिकन डिनर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक वाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।